वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक अपन सॉल्व कर रहे थे, उसमें अपना चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क वो अपन करने जा रहे हैं। पार्ट 6 है ये टाइम एंड वर्क। अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं और ध्यान रखें टाइम एंड वर्क के अंदर भी 2 पार्ट है चैप्टर के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो अपन पहले ही कर चुके हैं, पार्ट बी की शुरुआत जो है लास्ट वीडियो के साथ अपन ने की थी। अब पार्ट बी के 10वें सवाल से अपन शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप साथ साथ में ट्राई करते रहें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो 24, 32 और आगे दे रखा है मेरे को 64, इन सबका एलसीएम मैं देख लेता हूँ। देखो अगर 8 मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, उसके बाद 8 और एक आ जाएगा 3, ये हो गया इन सबका एलसीएम 64 × 3। ठीक है, 64 या इसको ऐसे लिख देते हैं 8 × 8 × 3, आगे जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। टाइम, ये जो टोटल वर्क है ये अपन ने निकाल दिया, ए बी और सी के द्वारा किया गया, ये टाइम है। यहाँ पर आ जाएगी एफिशिएंसी, इसके अंदर जब 24 का भाग लगाएंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 8, इसके अंदर जब 32 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 8 × 32 यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6, और 64 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3। ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गई। अब हुआ क्या, ये पूरा का पूरा काम है कितना है, देखो 8 × 8 = 64 और इंटू में 3 कितना 180 और 12 192, कितना आ गया 192 यूनिट्स का ये पूरा काम है। शुरुआत इन तीनों ने सब ने साथ में की थी, ए प्लस बी प्लस सी ने, लेकिन 6 दिन तक काम किया, 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब कार्य कंटिन्यू कौन कर रहा था, बी और सी कर रहा था, लेकिन काम यहाँ पे ये ख़त्म होने ही वाला था कि उसके छः दिन पहले बी ने कार्य करना छोड़ दिया। बी ने अगर कार्य करना छोड़ दिया तो काम किया किसने, सी ने किया। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त हुआ। अब ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 14 और 3 कितना हो गया 17 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन में कितना कर सकते हैं, 102 यूनिट कर सकते हैं, यानी ये काम कितना है 102 यूनिट का काम है। उसके बाद सी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है तो 6 दिन में कितना कर सकता है, 18 यूनिट का काम कर सकता है, तो ये कितना हो गया, देखो 18 हो गया, 102 ये और 18 ये, नहीं 120 यूनिट्स का काम तो पहले ही किया जा चुका है। तो पीछे कितना बचा, 192 माइनस 120 जब मैं करता हूँ मुझे कितना मिल गया 72। तो ये 72 यूनिट्स का जो काम है वो बीच में बी और सी द्वारा किया गया है। बी और सी जो है एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 72 यूनिट करने में इनको कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। अब सवाल में आपको यही पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो 6 और 6 = 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, तो पूरा काम जो है 20 दिनों में समाप्त हुआ, 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है, 30 घंटे और 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लें और उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही इस रुपये को बांट लें, आपको पता चल जाएगा ए को कितना और बी को कितना मिला। बहुत सिंपल सवाल है ये, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ 11th नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल, पार्ट ए जो मैंने कराया था आपको टाइम एंड वर्क का, उसके अंदर मैंने आपको इस तरीके के खूब सारे सवाल कराए हैं, तो ये जो 12th नंबर क्वेश्चन है ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत सिंपल है ये सवाल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये मैं करा देता हूँ ज़्यादा सवाल आपके लिए ना छोड़ते हुए, लेकिन आप करेंगे जरूर, पहले हर एक क्वेश्चन आपको करना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी से दुगुनी है मतलब बी की अगर मैं एक मानता हूँ तो ए की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 2 आ जाएगी, टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। 3 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 21 दिन में कितना कर सकते हैं, तो 21 × 3 मैंने कर लिया, ये मिल गया मुझे टोटल वर्क। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी ये जो 2 है वो इसको डिवाइड में लगा दो, ठीक है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो 63/2 डेज के अंदर इस कार्य को पूरा कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो 1 और 2 अपन ने कर लिया था, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं तो 3 × 21 भी यहाँ पे अपन ने कर लिया था। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो बिल्कुल सही है 63/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है मतलब ये 1 है तो ये कितना है 2, ये एफिशिएंसी।
अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी को मैंने मान लिया 2, यहाँ से अगर टाइम देखना चाहे टोटल वर्क को मैंने मान लिया था 2, तो यहाँ से टाइम अगर देखते हैं ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, दोनों में गैप जो है 1 दिन का आ रहा है। लेकिन ये एक गैप कब आ रहा है, रेशियो के फॉर्म में। एक्चुअल गैप तो 20 डेज का है, यानी 1 नहीं है 20 है, 20 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आएगा 20 और ये कितना आएगा 40, यानी ए जो है अकेला 20 डेज में कर सकता है और बी जो है 40 डेज में कर सकता है। क्लियर है, ये इसका आंसर। अच्छा इसमें पूछा दोनों मिलकर इस दिन में मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मिलकर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3, तो 40/3 कर देंगे, ये अपना आंसर आ गया। दोनों मिलकर पूछा है इसमें, तो 40/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। चाहे 4 आदमी काम करें चाहे 6 लड़के काम करें, काम तो 20 दिन में ही पूरा होगा, काम इक्वल है। ठीक है, 20-20 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मैन अपॉन बॉय जो है कितना मिल गया 3/2 मिल गया। ये 3/2 आपकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब ये 3/2 आप चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क खूब सारे सवाल अपन ने किए हैं। ये 3 जो है यहाँ पे रख देता है, 4 × 3 12 × 2 = 24, 240, ये 240 अपना टोटल काम है। और ये काम 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर करते हैं, 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर करते हैं, तो 6 आदमी की एफिशिएंसी 3 है और बॉय की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 × 3 कितना 18, 11 × 2 कितना 22, इसको ऐड कर लेंगे कितना आ गया 40, ये 40 यूनिट्स अपनी एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6 दिन। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, आई होप आपने कर ही लिया होगा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बहुत ही सेम सवाल है, 15 नंबर जो था उसके जैसा जैसा है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं 7 दिन में काम कर सकते हैं, 7 दिन में इतने रुपए अर्जित कर सकते हैं, और 11 पुरुष 13 महिलाएं 8 दिनों में इतने रुपए अर्जित कर सकते हैं। 7 पुरुष और 9 महिलाएं इतने रुपए कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे, ये आपको फाइंड करना है। देखो, जो आदमी किसी आदमी को अगर रुपए मिलता है तो वो रुपए कैसे मिलता है, जितना वो काम करता है, जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा रुपए। तो यहाँ पे ये जो इतने रुपए दे रखे हैं, इसको आप एक तरीके से वर्क ही मान लो कि भाई किसी आदमी को 3,780 रुपए मिले तो उसने उसके हिसाब से काम किया है। तो 3 आदमी और 4 महिलाएं अगर काम को करती हैं तो इसको कितने रुपए मिलते हैं, 7 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 7 दिन में काम पूरा कर लेते हैं और यही जो काम है इसको मैं काम ही मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में इतने रुपए अर्जित कर सकते हैं, कितने, 11 पुरुष और 13 महिलाएं इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 15 × 0 = 40। ठीक है, 7 पुरुष 9 महिलाओं को इतने रुपए अर्जित करने में कितना समय लग जाएगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है अपन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा m और w, इन दोनों की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वहां से ये जो वैल्यू आएगी ये अपन यहाँ पर रख देंगे, 7 मैन और 9 वुमेन के लिए निकालना है कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डे आ जाएगा, कितने रुपए मिलते हैं 12,400 रुपए मिलते हैं, तो 12,400 अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखो 7 से डिवाइड करता हूँ मैं अगर, तो 7 × 7 = 35, 2 उधर चला जाएगा तो 4 0, 8 से अगर मैं काटता हूँ तो 8 × 8, और 7 अगर आगे चला गया 8 × 8 = 64, 6 उधर चला गया 8 × 8 = 64, और ये कितना आ गया 00। क्लियर, उसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन को मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, नीचे वाली इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए ऊपर वाली चीज को एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, 11 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, कितना मिलेगा 33m, 11 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ 44m, 44w, और इसको जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 0, 55 और 4, 59। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 33m, 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 39w, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं कितना आएगा 0, 8 + 24 = 4, हासिल लगे 2, 24 और 2 कितना 26, हासिल लगे 2, और 3 × 3 = 2 कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है,
यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5W और इसमें से माइनस करेंगे 0 0 3 300, यहाँ से W कितना मिल रहा है 60। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60 आ गई। ये 60 उठा के चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो, एक ही बात है, वहाँ से आपको एम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो 60 60 जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, 0 6 6 24 और 2 6 6 24 और 2 कितना हो गया 26। ये इसमें से माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 0 0 3 और 3 ये क्या है 33 m है। तो यहाँ से m कितना मिल गया आपको, m मिल गया 100। ठीक है, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई मुझे 60 और 100। ये 60 और 100 यहाँ पर रख लेते हैं, तो 60 जब m की जगह आप 100 रखते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700, और 60 जब यहाँ पर रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 6 54 5400। क्लियर है, यहाँ पर क्या कर दिया, 600 नहीं है ये 60 है, तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं कितना आ रहा है, 0 और 4 और ये 12। ठीक है, और इसको जब ये करेंगे तो यहाँ से कितना मिल गया 10 दिन, यानी 10 दिन के अंदर अंदर ये लोग, ये जो ग्रुप है वो 12400 रुपये कमा सकता है। क्लियर, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलते हैं आगे, 10 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 16 आदमी 20 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में कार्य पूरा कर पाते हैं। सबसे पहले तो लास्ट लाइन की हेल्प से मैं क्या कर लेता हूँ, आदमी और लड़के की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। देखो 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर सकते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 आदमी और 1 लड़के की कार्य क्षमता मिल जाएगी मुझे कितनी, देखो 3 से 3 अगर मैं काट दूँ तो मुझे यहाँ पे ये कितना मिल रहा है, देखो यहाँ से ये 5/2 5 और 2 ये मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब चलते हैं पहली लाइन की तरफ, ये कह रहा है 10 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कार्य है कितना, ये एम और बी जो है यहाँ पर रख लेते हैं, एम की जगह 5 और बी की जगह 2 अगर मैं रख लूँ, ये कितना हो रहा है देखो 50 और ये कितना हो रहा है 30, टोटल कितना हो गया 80 × 15 कितना आ जाएगा 120 और 00 यानी 1200 यूनिट्स का काम है। ठीक है, इस ग्रुप ने 1200 यूनिट्स का काम किया था, लेकिन ये कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे यदि 16 आदमी और 20 लड़के काम करें, 16 आदमी और 20 लड़के काम करें, ध्यान रहे काम जो है तिगुना है पहले का, पहले काम अगर 1200 है तो इस बार काम कितना है 3600 है, 3 गुना है, और ये 3600 यूनिट्स का काम जो है कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं 16 आदमी, देखो आदमी की एफिशिएंसी 5 मानी थी अभी अपन ने निकाली थी, और लड़के की एफिशिएंसी अपन ने 2 निकाली थी, तो 16 पंजे कितना 80 और ये कितना हो गया 40, टोटल मिला के कितना आ गया 12, ये 120, इसमें डिवाइड में लगा देते हैं 0 0 कट गया, ये कितना मिल गया 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 30 डेज। क्लियर, 30 दिन के अंदर ये ग्रुप इस कार्य को, इस कार्य के तिगुणे कार्य को समाप्त कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 1 आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के किसी कार्य को 44 डेज में समाप्त कर सकते हैं, तो 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 1 आदमी काम करे, चाहे 2 महिलाएं काम करे, चाहे 3 बच्चे काम करे, 3 बच्चे काम करे, तो उनको 44 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, 44 डेज का टाइम लगता है, इंटू में 44 करेंगे, ये तो हालांकि वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/3, खूब सारे सवाल किए अपन ने, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 2, 6 3 और 2 इन सबकी, यानी 1 आदमी 1 महिला और 1 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मुझे मिल गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रखो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो ये जो 6 है वो मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो 6 × 44 करेंगे, 6 × 44 करेंगे 24, यहाँ पे 2 और ये कितना आएगा 26, 264 यूनिट्स, ये 264 यूनिट्स का काम 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का मिलकर करते हैं तो कितना समय लगेगा, तो मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, तो इसके अंदर 11 का भाग लगा देते हैं, कितना आ रहा है देखो 2 और 4 आगे चला जाएगा तो 4 24 दिन, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कितना होगा 24 डेज। चलते हैं आगे, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे, ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। देखो ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर ए प्लस बी काम करते हैं, सहायक को मैंने बी मान लिया, तो उनको 4 दिन ही लगते हैं मात्र, तो यहाँ से अपन देख लेते हैं कि 6 और 4 के एफिशिएंसी एलसीएम कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 12
यहाँ से ये तो टाइम था, एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी टू और ये कितनी मिल जाएगी थ्री, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, वन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सहायक को कितने रुपए मिलेंगे। देखो ए की एफिशिएंसी 2 है इसलिए उसको 900 रुपये मिल रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसको कितने रुपये मिलेंगे, 450 रुपये मिलेंगे। तो बस आपको यही पूछा था कि 450 रुपये सहायक को कितने रुपये मिलेंगे, तो इसका आंसर हो गया 450। बहुत ही सिंपल सा सवाल, जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतने रुपये मिलेंगे। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना जो है कार्य कुशल है, तथा किसी कार्य को करने में 10 दिन कम समय लेता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में केवल को कितने दिन लगेंगे। ऐसे सवाल अभी अपन ने किया था, आई होप ये खुद ही आप कर लेंगे। बहुत सिंपल से सवाल, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को, पी और क्यू इंडिविजुअली 9 और 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं। देखो 9 दिन में पी करता है और क्यू जो है वो 12 दिन में कार्य को समाप्त करता है, तो 9 और 12 कितने हो जाएंगे, 9 और 12 का एलसीएम यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 36, एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और 3, ठीक है। कार्य की शुरुआत पी ने की थी, अगले दिन जो है कार्य पर क्यू आया, अगले दिन वापस पी आया, अगले दिन वापस क्यू आया, इस तरीके से काम चलता रहा। तो पहले दिन जब पी आया उसने 4 काम कर लिया, दूसरे दिन क्यू आया उसने 3 काम कर लिया, अगले दिन फिर से 4, अगले दिन फिर से 3, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि 36 यूनिट्स का काम पूरा नहीं हो जाता। देखो यहाँ पे 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में जो है ये काम जो है 7 यूनिट्स का काम पूरा हो गया, लेकिन मुझे काम 7 यूनिट्स का करवाना नहीं है, मुझे काम 36 यूनिट्स का करवाना है, ठीक है। तो 36 यूनिट का काम अगर मुझे करवाना है, देखो डायरेक्टली इसको 36 बनाए तो ये मल्टीपल में जा नहीं रहा है, और आपको डायरेक्टली 36 बनाना भी नहीं है, तो क्या करेंगे, 36 में से 4 अपन माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इसको आप माइनस कर दो, कितना आ रहा है 32, 32 इसका मल्टीपल नहीं, लेकिन 32 से जस्ट छोटा मल्टीपल अगर मैं देखना चाहूँ तो वो कौन है, मेरे पास 28 है, तो एक बार 28 तक देख लेते हैं। 28 यूनिट का काम 4 गुना, इसको भी 4 गुना कर लेते हैं, कितना आ गया 8 दिन, 8 दिन बीत चुके हैं और 28 यूनिट का काम हो चुका है। अब 90वें दिन, 90वें दिन जो है पी काम पर आएगा और वो 4 यूनिट का काम कर देगा, अब काम कितना होगा, 32 यूनिट का काम हो गया है, ठीक है, 32 यूनिट्स का काम हो गया है। और अगले दिन क्यू आएगा वो 3 यूनिट का काम कर लेगा, अगले दिन क्यू आएगा 3 यूनिट का काम कर लेगा। अब हुआ क्या, 10 दिन हो चुके हैं और मेरा जो है ये काम देखो कितना 32 और 3 35, 35 यूनिट्स का काम खत्म हो चुका है। अब अगले दिन क्यू पी काम पर आएगा, मुझे केवल 1 यूनिट का काम करवाना है, तो 4 यूनिट करने में उसको 1 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट करने में उसको कितना दिन लगेगा, 1/4 डेज लगेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 1/4, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमताएं इतनी इतनी के अनुपात में है, एक महिला को इस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल, आई होप ये खुद ही आप कर लेंगे, इस टाइप के खूब सारे सवाल अपन ने किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे आने वाले वीडियोज के अंदर नए चैप्टर्स को अपन शुरू करेंगे। थैंक यू।